एक बड़ी खबर है। चाइना के सबसे बड़े कटर सक्शन ड्रैगर टियान कुन हाओ ने 3 नवंबर 2017 को चाइना के किनडोंग से समुद्र में कदम रखा था। एक घंटे में 35 मीटर की गहराई तक लगभग 6000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद सकता था और यह 15000 क्यूबिक मीटर तक की मिट्टी ढो भी सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन से चाइना समुद्र में आखिर ऐसा कर ही क्या रहा था, जिससे इस समुद्र के हिस्से के साथ लगते चारों देश फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के साथ साथ भारत और अमेरिका भी सकते में आ गए। चलिए जानते हैं इस बड़ी साजिश से किस तरीके से चाइना चाह रहा था भारत और अमेरिका की जबरदस्त तबाही। साउथ चाइना सी में चाइना जहाजों के जरिए लाखों टन मिट्टी फेंक रहा था। पहले खबर बाकी देशों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन जैसे जैसे इस मिट्टी ने टापू की शक्ल देनी शुरू की तो दुनिया के बाकी देश भी सकते में आ गए। चाइना मैन मेड आइलैंड खड़े कर चुका था। ये किसी भी देश की कल्पना से परे है। इन आइलैंड की संख्या एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 है और चाइना ऐसे और भी कई मैन मेड आइलैंड्स बना रहा था। लेकिन चाइना ये आइलैंड बना क्यों रहा है? आखिर चाइना को इतनी मेहनत करके हासिल क्या होने वाला है और क्यों ये आइलैंड भारत और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं चाइना की कैबेज स्ट्रेटजी, जिसके जरिए चाइना पूरे साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है। ये है फेरी क्रॉस आइलैंड, जिसकी लंबाई है लगभग 1 मील और ये चाइना का मिलिट्री बेस है, जहां पर रनवे, रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और उसके साथ ही चाइना के लगभग 200 सोल्जर्स भी यहां पर तैनात है। लेकिन इस आइलैंड के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आज से लगभग 2 साल पहले तक ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इसी तरह और 6 आइलैंड है जो पहले कभी समुद्र में थे ही नहीं। इन आइलैंड्स के जरिए चाइना समुद्र के एक अहम हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इस हिस्से का नाम है साउथ चाइना सी। समुद्र का यह हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफी रिच है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 11 बिलियन बैरल तेल है तो वहीं 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं और दुनिया का 10% मछली का भंडार भी समुद्र के इसी हिस्से में है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि दुनिया का 30% व्यापार साउथ चाइना सी से ही होकर जाता है। साउथ एशिया सी के साथ 5 देशों की सीमा लगती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक हर देश की सीमा उनके तटों से समुद्र के 200 मील तक होती है, जैसे EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी अगर किसी देश के 200 मील की सीमा के भीतर कोई ऑयल भंडार मिलता है तो उस पर हक उसी देश का होगा, लेकिन जो एरिया सभी देशों की EEZ से बाहर होते हैं उसे इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है और UN मेरिट एंड लॉ के मुताबिक इस हिस्से पर सबका हक होता है। साउथ चाइना सी के साथ लगते सभी देश अपने EEZ में रहते हैं, लेकिन चाइना को यह मंजूर नहीं। चाइना का कहना है कि समुद्र के इस हिस्से पर उसका अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान, जो पूरे रीजन को कंट्रोल करता था, उसने 7 लगे सभी समुद्रों से अपना कंट्रोल खो दिया। बस तभी चाइना ने 15वीं सदी की 9 डैश लाइन को जीवंत कर दिया, जिसके अनुसार साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा चाइना का है। और जब UN ने 1993 में EEZ को 200 मील तक रखने का लॉ पास किया तो चाइना ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने अपनी खींची हुई 9 डैश लाइन के साथ जाने का फैसला किया और साउथ चाइना सी पर बाकी देशों के अधिकार को मानने से मना कर दिया। चाइना के बनाए सभी आइलैंड जिस जगह पर हैं, उसे स्प्रेटली आइलैंड कहा जाता है। ये साउथ चाइना सी का दिल है और यहाँ और भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना के अलावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया अपना क्लेम करते हैं। सभी देशों ने इन आइलैंड्स पर अपना अधिकार कायम रखने के लिए इमारतें और पोर्ट्स बना दिए और कई देशों ने तो अपने कुछ लोग भी निगरानी के लिए यहाँ बैठा दिए। लेकिन चाइना के यहाँ मैन मेड आइलैंड्स बनाने के बाद से ही ये मुद्दा गर्मा गया है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि चाइना अपनी ताकत के बल पर समंदर के इस हिस्से को हथियाना चाहता है ताकि वो पूरे रीजन पर कंट्रोल कर सके। इसके बाद से ही अमेरिका ने यहाँ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने शिप्स भेजे, लेकिन चाइना ने इसे हल्के में नहीं लिया। और जैसे ही अमेरिकी नौसेना के शिप्स स्प्रेटली आइलैंड के पास पहुंचे तो चाइना ने अपने डिस्ट्रॉयर वार्निंग के साथ अमेरिकी नौसेना के पीछे लगा दिए, जिससे अमेरिकी नौसेना को पीछे होना पड़ा। इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए चाइना एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इस स्ट्रेटजी का नाम है कैबेज स्ट्रेटजी। इसके जरिए चाइना स्प्रेटली आइलैंड में ज्यादा से ज्यादा शिप्स और डिस्ट्रॉयर रखता है ताकि बाकी देशों को डर के माहौल में रखा जा सके। स्प्रेटली आइलैंड्स में बने मैन मेड आइलैंड्स पर चाइना ने अपने नेवल बेसेस बनाने भी शुरू कर दिए ताकि वहां पर और शिप्स डिप्लॉय किए जा सके, क्योंकि चाइना का मानना है कि जितने ज्यादा शिप्स और सेना होगी उतनी जल्दी वो इस रीजन पर कंट्रोल कर पाएगा। यही नहीं, चाइना ने इस रीजन को एयर स्पेस को भी अपना घोषित कर दिया, यानी अगर साउथ चाइना सी के ऊपर से किसी उड़ान भरनी है तो उसके लिए उसे चाइना से परमिशन लेनी होगी। लेकिन भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत का ज्यादातर समुद्री व्यापार साउथ चाइना सी से होकर ही गुजरता है।
इसलिए भारत ने आसियान समिट में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जहां पर आसियान मेंबर देशों में साउथ चाइना सी के साथ लगते देश भी मेंबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी और आसियान समिट में उनके लिए भाषण की वो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने सिर्फ देना सीखा है और बाकी देशों ने महज छीनना सीखा है, यही सभी उसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन चाइना से बाकी सभी छोटे देश डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ड्रैगन उन पर कब्जा ना कर ले। लेकिन भारत ने चाइना के इस दबदबे के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब एशिया पैसिफिक को हिंद पैसिफिक कहकर पुकारने लगा है। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका भी इस मुद्दे से हाथ खींचते नजर आ रहा है। वह ना तो चाइना से सीधा टक्कर लेना चाहता है और ना ही वो चाहता है कि चाइना छोटे देशों को धमकाए। शायद इसीलिए अमेरिकी नौसेना के शिप्स भी अभी भी साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उनके लड़ाकू विमान अभी भी चाइना के उसी क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं जिसे चाइना ने अपना घोषित कर रखा है। खैर अभी स्थिति शांत है, लेकिन हर देश अपनी मिसाइलें तैनात कर युद्ध के लिए भी तैयार बैठा है। अब यहाँ पर साफ स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि चीन चाहता है कि भारत के सारे व्यापार को प्रभावित किया जा सके ताकि चीन के ऊपर निर्भर हो जाए भारत। इस पर आप सबका क्या कहना है, ये अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें और इस खबर को, इस ब्रेकिंग न्यूज को देशवासियों तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कीजिए इस वीडियो संदेश को। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।